नमस्कार दोस्तों, अज्ञानी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। आज भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है, लेकिन लाखों साल पहले ऐसा नहीं था। इंडियन प्लेट या इंडिया प्लेट पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा को फैलाते हुए एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट है। पेंजिया एक सुपरकॉन्टिनेंट था जो पेलियोजोइक और प्रारंभिक मेसोजोइक युग के दौरान अस्तित्व में था। यह लगभग 335 मिलियन साल पहले की महाद्वीपीय इकाइयों से इकट्ठा हुआ था और लगभग 175 मिलियन साल पहले टूटना शुरू हुआ था। मूल रूप से गोंडवाना के प्राचीन महाद्वीप का एक हिस्सा था। भारत 100 मिलियन साल पहले गोंडवाना के अन्य टुकड़ों से अलग हो गया और उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग प्लेटों में कम से कम 3 मिलियन साल और लंबे समय तक रहे हैं। भारतीय प्लेट में अधिकांश दक्षिण एशिया शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर के नीचे घाटी का एक हिस्सा, जिसमें दक्षिण चीन और पश्चिमी इंडोनेशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं, और भारतीय प्लेट लद्दाख, कोहिस्तान और बलूचिस्तान तक फैली हुई है। लगभग 140 मिलियन साल पहले तक इंडियन प्लेट ने आधुनिक अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के साथ मिलकर सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा बनाया था। महाद्वीप अलग अलग वेगों से अलग होने कारण गोंडवाना टूट गया। इस एक प्रक्रिया कारण हिंद महासागर का जन्म हुआ। क्रेटेशियस युग में लगभग 100 मिलियन साल पहले और भारत को गोंडवाना से अलग होने के बाद मेडागास्कर से भारतीय प्लेट भी विभाजित हो गई। माना जाता है कि टकराव 55 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हो गया। यह उत्तर की ओर एशिया की तरफ बढ़ने लगा था और प्रति वर्ष लगभग 20 सेंटीमीटर 7.9 इंच आगे बढ़ रहा था। अन्य प्लेट की तुलना इंडियन प्लेट ने 3000 से 2000 किलोमीटर की दूरी तय की है और कोई प्लेट इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ी है। भारत और नेपाल के बीच सीमा के साथ यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर में टिबेटन प्लेट और हिमालय पर्वत का निर्माण करने वाली ओरोजेनिक बेल्ट का गठन हुआ था। हिमालय अभी भी प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि भारत एशिया में उत्तर की ओर बढ़ना जारी रखा है। यह दर्शाता है कि आज भी इस क्षेत्र में भूकंपों का यह केंद्र बिंदु है। इस तरह से भारत का निर्माण होने में कई मिलियन वर्ष लग गए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए अज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।